हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो SQL की है और SQL में क्या सीखेंगे। देखिए अल्टर जो कमांड होता है उसका यूज सीखेंगे। DDL का यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अल्टर। अल्टर कमांड होता है और इसको कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। तो पहले अल्टर करने का मतलब ये है कि आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है ऐड, तो ऐड का भी यूज करते हैं। ऐड का यूज कब करते हैं? ऐड का यूज तब करते हैं जब हमें कुछ अतिरिक्त कॉलम्स उसमें जोड़ने होते हैं। जो आपका टेबल बना हुआ है उसमें जब अतिरिक्त कॉलम जोड़ना होगा तब ऐड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट पे गया मैं और यहाँ क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, SQL दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट आ रहा है, फिलहाल हमको टेबल क्रिएट कराना है तो यहाँ पे लिखना होगा क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम यहाँ पे देना होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट, या स्टूडेंट दे देता हूँ, स्टूडेंट टी यानी टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टी देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अंडर स्कोर जरूर लगाइएगा नेम ऑफ, और यहाँ पे कर देता हूँ अंडर स्कोर स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया, और इसे मैं रख देता हूँ टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। कॉमा देंगे, और भी फील्ड्स ऐड करनी है तो कॉमा देकर के नीचे आइए, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप दे दीजिए नेम ऑफ फादर, ठीक है। नेम ऑफ अंडरस्कोर करके फादर FATHER, ठीक है। नेम ऑफ फादर कर दिया, इसको भी टेक्स्ट डेटा टाइप रख लेता हूँ, कॉमा देते हैं, और स्टूडेंट की सिटी कौन सी है वो यहाँ पे दे देते हैं, और सिटी को रख लेते हैं वेयर कैर। तो यहाँ पे दो दो अलग अलग डेटा टाइप का प्रयोग भी हमने किया है, आप देख सकते हैं। वेयर कैर रखने के बाद यहाँ पर 20 इसकी साइज रख देते हैं, सिटी का नाम मैक्सिमम 20 रख सकते हैं, 20 इसमें कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से रन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रन पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि स्टूडेंट टी ये टेबल बन गई है, ठीक है। और इसमें ये फील्ड्स मौजूद हैं, आप देख ही सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें चाहते हैं कि इसमें स्टूडेंट का फादर्स का नाम, फादर का नाम आ गया, सिटी आ गई, स्टूडेंट के मदर का भी नाम हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखिएगा राम सिंह, ऐसे लिख दिया तो ये एक स्टूडेंट का नाम हो गया, ठीक है। फादर का नाम लिख दिया मिस्टर MR, ये लिख दिया राजेश सिंह, ठीक है। तो ये उनके फादर का नाम हो गया, और फिर यहाँ पे सिटी इनके देवरिया कर देते हैं, हम देवरिया के रहने वाले हैं तो देवरिया ही लिखते हैं, और भी सिटीज का नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से और भी आप दे सकते हैं नेम, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और यहाँ से पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। टेबल को क्लोज कर दिया, क्वेरी को भी चाहे तो सेव करके क्लोज कर सकते हैं। क्वेरी वन के नाम से ये सेव हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, दूसरी क्वेरी बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ SQL पे आ जाइए। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे अब हमें ऐड का प्रयोग करना है। जो ऐड नाम का कीवर्ड है ना, उसी का हम प्रयोग करने वाले हैं ताकि हम इसमें कोई और नया कॉलम ऐड करवा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो अल्टर कीवर्ड का आप प्रयोग करिए, ठीक है। तो किसको अल्टर करवाना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अल्टर। अब टेबल का नाम है स्टूडेंट टी, तो यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट टी, ये टेबल का नाम आपके हो गया, केवल और केवल क्या हो गया, टेबल का नाम हो गया, ठीक है। टेबल का नाम देने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहाँ पर लिखिए ऐड, ठीक है। और किस में ऐड करवाना है, ऐड करवाना है इसी टेबल में, तो यहाँ लिखिए अब कॉलम का नेम क्या देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट मैं कर देता हूँ, ठीक है, स्टेट पहले कर देता हूँ, आप चाहे तो मदर्स नेम भी दे सकते हैं। तो स्टेट कर दिया, और स्टेट का डेटा टाइप जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये स्टेट को टेक्स्ट डेटा टाइप कर दिया, ठीक है। टेबल छूट गया था तो अल्टर टेबल और स्टूडेंट ही हो गया। और अब यहाँ से डिजाइन पे जाके इसको रन करवा दीजिए। जब रन करवाएंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये ओपन है, इसको क्लोज कर दीजिए, और अब यहाँ से आप इसको रन करवा दीजिए। तो रन करवाते ही आपका टेबल अल्टर हो चुका है, ठीक है। नीचे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपका टेबल अल्टर हो गया। अब अल्टर होने के बाद इसमें आप देखेंगे कि स्टेट जो है जुड़ा हुआ आएगा, पहले स्टेट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब इसमें स्टेट भी नजर आएगा आपको। देखिए ये स्टेट नजर आ रहा है। इसी तरीके से कुछ और भी जोड़ना हो, चलिए इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टेट तक आ चुके हैं हम, तो अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सेव करके इसको भी क्लोज किया। अब मान लीजिए मदर्स नेम भी जोड़ना है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे, एक और क्वेरी बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ वही चीज, ये क्लोज किया और यहाँ पे आए, और यहाँ पे अल्टर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल, ठीक है। अब टेबल का नाम दे देंगे स्टूडेंट टी, है ना, तो ये दे दिया स्टूडेंट टी। अब ये स्टूडेंट टी टेबल का नाम हो गया आपके, ठीक है।
इसी तरीके से स्टूडेंट टी देने के बाद, जैसे पहले मैंने किया था, स्टूडेंट टी देने के बाद आपको क्या ऐड करवाना है इसमें, ठीक है, वो देखना होगा। तो यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए ऐड, ऐड कीवर्ड का यूज कीजिए, और ऐड कौन सा कॉलम करवाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एम ओ नेम ऑफ मदर कर देता हूँ इस तरीके से, एन ए एम ई नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर मदर, नेम ऑफ मदर। तो ये नेम ऑफ मदर कर दिया, और इसका डेटा टाइप भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेयर कैर, और ये करने के बाद अब ये देख सकते हैं हो गया है। अब यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इस टेबल को पहले क्लोज कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए और फिर आप जाइए डिजाइन पे, यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए। रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और फिर इस टेबल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नेम ऑफ मदर जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पे निकल करके आ गया है, देखिए, ठीक है। इसी तरीके से कोई और भी फील्ड जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। देखिए मैं फिर दिखाता हूँ, ये हम क्लोज करेंगे इसको सेव करके और फिर क्लोज करते हैं यहाँ से। ये क्वेरी 3 मैंने बनाई, ठीक है, आप जितनी चाहे उतनी क्वेरीज बनाइए, इट इज़ डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। ये हो गया, फिर क्रिएट पे गए, फिर क्वेरी डिज़ाइन पे जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे कर देता हूँ क्लास, एक नया फील्ड जोड़ना चाहता हूँ मैं क्लास, तो यहाँ पे करिए अल्टर टेबल, ये लिखिए ए एल टी ई आर अल्टर, और फिर लिखिए टेबल। अब टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टी है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट टी पूरा लिखिएगा, ये हो गया स्टूडेंट टी, ठीक है। स्टूडेंट टी लिखने के बाद आपको एंटर करके नीचे आना है। अब किसको ऐड करना चाहते हैं, तो जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड यहाँ पे जो भी आप कॉलम का नाम ऐड करना चाहते हैं वो दे दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लास कर देता हूँ, और क्लास को रख देता हूँ टेक्स्ट डेटा टाइप, तो ये क्लास भी ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्लास ले लिया हमने, बस हो गया काम आपका। अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्लास भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इसमें ऐड करवाते चले जाएंगे, ये ऐड का यूज था, और ये बहुत आसान है। आई होप कि इससे कन्फ्यूजन जरूर क्लियर हो जाएगी आपकी।